चल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे और ये क्लास 10 के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में, हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन करता ही है। आप प्लट कर देख लिया कि सिर्फ करिए √2, √3, √5 वाला जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में हमेशा पूछता है, एक दो नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्व करना बता दूंगा, सिंपल तरीके से सिद्ध करना आपको सिखाऊंगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए। देखिए, सबसे पहला सिद्ध करना है कि आपको देखने को मिलता होगा एग्जाम में देता है कि सिद्ध करिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब देता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में कई बार दिया भी है कि सिद्ध करिए कि √2, √3, √5, √7 ये सब क्या अपरिमेय संख्या। और साथ में इसमें आप इस टाइप का क्वेश्चन देते होंगे, सिद्ध करिए कि √1/√2 अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करिए कि √3-√2 अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करिए कि √3+√5 अपरिमेय संख्या है। मतलब एक तो रूट अलग रहता है, ये अकेला रहता है, ऐसा इस टाइप का देगा आपको सिद्ध करने के लिए। और दूसरा का आपको जोड़ घटाव गुना भाग के संग देता है। तो इन दोनों के लिए मैं एकदम सिंपल सिंपल अलग अलग तरीका आपको बता दे रहा हूं, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए देखिए, यहां पर पहले से देखो, हम लोग रूट वाले को क्लियर करना चाहते हैं जो रूट में अकेला संख्या है। यहां रूट में है लेकिन जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में, तो इसको भी मैं आपको तरीका सॉल्व करना बता दे रहा हूं। देखो, सिद्ध करे के √2 एक अपरिमेय संख्या दिया है, ठीक है ना। सिद्ध करे के √2 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर √2, √3, √5, √7 इस टाइप का जो भी होगा इसी तरीका से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, आपको अपरिमेय सिद्ध करना है √2 को, तो इसको परिमेय मान के आप चल दीजिएगा, ठीक है ना। क्या मान के चलेगा? परिमेय मान के चलिएगा। लिखिएगा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या p/q है, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। तो पहले आपको मान लेना है, माना कि √2 एक क्या परिमेय संख्या p/q है। अब देखो, इसलिए √2 बराबर क्या हो जाएगा? p/q, क्योंकि √2 को क्या मान के चल दिया? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या मान के चले, तो यहाँ पर रूट हटा देते हैं। रूट हटाने के लिए दोनों ओर क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। कर दीजिए भाई, यहाँ पर दोनों ओर वर्ग। देखो, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है ना, और वर्ग करेंगे तो √2 का यहाँ पर स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर? √2 का स्क्वायर अब बराबर p/q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे हर जगह रूट, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 2, आ यहाँ p का स्क्वायर बटा हो जाएगा q का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं जरा सा, देखो 2 बराबर p स्क्वायर को जो कहते हैं छोड़ते लेंगे, q स्क्वायर को लिख देंगे q into q लिख देंगे। अब ए को q यहाँ पर भगा में इधर कहाँ चलाएगा? गुना में, तो इसलिए हो जाएगा 2q अब बराबर यहाँ बच जाएगा p स्क्वायर बटा हो जाएगा q। अब इतनी पर आपको बात करना है। देखो, q वाला जो ज्यादा वैल्यू होता है वो पूर्णांक होता है, अब p/q ये जो मतलब है, जब बटा के रूप में कोई भी संख्याएं आती है तो भिन्न होता है। यानी अगर यहाँ ध्यान से देखी जाए तो ये वाली संख्याएं पूर्णांक हो जाएंगी और ये वाला संख्याएं क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। अब गौर करिए कि पूर्णांक और भिन्न बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम है। यहाँ 2/q यहाँ p²/q है, यहाँ p²/q आ गया। देखो, ये वाला भिन्न, ये बोला पूर्णांक, क्यों? देखो, जिसके संग ज्यादा मात्रा में क्यू जाता है ना वो पूर्णांक ही कहलाता है, ठीक है ना। जहां बटा में चलाता है वो भिन्न कहलाता है, आप जानते हैं। तो ये वाला पूर्णांक वैल्यू हो गया और ये वाला क्या हो गया? भिन्न हो गया। क्या पूर्णांक भिन्न के बराबर हो सकता है? नहीं। लिखिएगा, चूंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए √2 भी क्या हो सकता है? अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। हमारी मान्यता शुरू में क्या थी? गलत थी। अब सोचो, पूर्णांक जब भिन्न के बराबर नहीं होगा तो सर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर कैसे होगा? यहां पर लिख देते हैं, चूंकि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। जो माने थे ना कि √2 एक परिमेय संख्या है, मान्यता क्या है? गलत है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने लिखा क्या? यहाँ पर पूर्णांक भिन्न, देखो बुआ, जब पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है तो इसका मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए √2 कौन सा संख्या होगा? अपरिमेय, यानी √2 परिमेय नहीं होगा, तब क्या होगा? अपरिमेय, ठीक है ना। यही तरीका आपको अप्लाई करना है। देखो, जो √2 दिया उसको p/q मानकर चलना है। मान लिया कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या p/q है, यानी √2 p/q। अब रूट हटाने के लिए दोनों ओर क्या किया? वर्क कर दिए। वर्क करने के बाद इधर का रूट हट जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पर स्क्वायर ब्रेक करेंगे p²/q², फिर 2 को जो कहते हो
छोड़ दिए, बी स्क्वायर को बीजे कहते हो छोड़ा, क्यू स्क्वायर को क्यू इंटू क्यू लिख दिए। अब इधर क्यू एगो क्या है गुना में, इधर चलाएगा इधर भागा में, इधर चलाएगा गुना में, इंटू क्यू हो जाएगा। अब बराबर एगो इधर क्यू बचल रहेगा, यानी पी स्क्वायर बटा क्यू हो जाएगा। ये क्या है आपका पूर्णांक और ये क्या है भिन्न है, ये दोनों वैल्यू बराबर है क्या आपस में? यहाँ टू क्यू रहते हैं कुछ और है, यहाँ कुछ और है तो यहाँ कुछ और है, यानी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं है। लिख दे वही, चूंकि पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारी मान्यता गलत है। मान्यता कौन सा है, शुरू में जो मान्य थे कि रूट टू एक परिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए रूट टू एक कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखो इसी आधार पर आप सिद्ध कर सकते हैं रूट थ्री को, रूट फाइव को, रूट सेवन को, रूट ग्यारह को, ये सब सिद्ध कर सकते हैं अपरिमेय संख्या। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मान लो रूट थ्री को सिद्ध करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां रूट टू है वहां पर रूट थ्री डाल देंगे। मान लेंगे रूट थ्री की अपरिमेय संख्या पी बटा क्यू है, इसलिए रूट थ्री बराबर पी बटा क्यू, फिर स्क्वायर डालेंगे थ्री को, मतलब यहाँ जहां जहां दो है ना वहां तीन कर देंगे, बस आपका हो जाएगा वो रूट थ्री का। इसी तरह से रूट फाइव का, रूट सेवन का आपको करना है, तो जहां अकेला आएगा रूट ना वहां पर ये तरीका अप्लाई करना है, लेकिन जहां रूट के संग जोड़ घटाओ गुना भाग, जैसे देखो वन बटा रूट टू बटा मीन्स भागा थ्री माइनस रूट टू, ये क्या है घटाव है, क्या है रूट के संग घटाव है। यहाँ देख सकते हैं थ्री प्लस टू रूट फाइव है, तो यहाँ पर जोड़ भी है और रूट फाइव के संग गुना भी है, क्योंकि रूट फाइव के संग टू गुना में, तो जहाँ जोड़ घटाव गुना के भाग रूप में रहेगा वहाँ सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इसके लिए अलग तरीका बता रहा हूँ। और जब ये आपका रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट ग्यारह, इस तरह का यदि क्वेश्चन दे देंगे सिद्ध करने के लिए, तो आपको यही तरीका अप्लाई करना है पी बटा क्यू वाला। मान लेना, मान लो कि रूट सेवन सिद्ध करना, तो लिखिए माना कि रूट सेवन एक परिमेय संख्या पी बटा क्यू है, इसलिए रूट सेवन बराबर पी बटा क्यू। अब दोनों क्या करना है वर्क करेंगे, तो यहाँ पर रूट सेवन का स्क्वायर, क्योंकि रूट सेवन को भी सिद्ध करना है, रूट सेवन का स्क्वायर करेंगे सेवन निकल जाएगा, यहाँ ब्रेक कर देंगे पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, एगो क्यू इधर खींच लेंगे तो सेवन क्यू बटा इतना हो जाएगा। बस आपको यही डालना है, चूंकि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए रूट टू कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये तरीका आपको एकदम सिंपल सा तरीका है, दो नंबर एकदम गारंटी ठोकर आपको मिल जाएगा एग्जाम में, कोई रोक नहीं सकता है दो नंबर आने से आपको, याद रखिएगा। तो ये आपका अगर इस टाइप का देगा और सिर्फ रूट में अकेला संख्या देगा, उसके संग जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं होगा, तो ये वाला तरीका अप्लाई करेगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए सिद्ध करे कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये जोड़ और घटाव सबके रूप में दिया है, अब भाई इसको कैसे सिद्ध करेगा, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो जब रूट के संग जोड़ घटाव गुणा या भाग के रूप में रहे तो उसको कैसे सिद्ध करना है, देखो बता रहा हूं। पहली बात है कि उसको परिमेय संख्या पी बटा क्यू नहीं मानेंगे, उसको आर मानकर चलेंगे, ठीक है ना। मान लेंगे यहां पर मानना तो वही है, अपरिमेय सिद्ध करना, तो मान लीजिएगा परिमेय, माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्या है परिमेय संख्या आर है। इसको चाहेंगे दूसरे तरीका से भी सिद्ध कर सकते हैं, देखो रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, टू कौन सी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या ही होता है, एंड टोटल ये वैल्यू अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, लेकिन उस तरीके से हम सिद्ध नहीं करेंगे। देखो जब रूट में अकेला रहेगा तो उसको पी बटा क्यू लेकर चलना है, लेकिन जब वही रूट के संग जोड़ घटाव गुना भाग होगा तब वहां पर अलग तरीका अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करेंगे आर वाला, सब में आर मानकर चलेंगे। देखो मैंने मान लिया कि क्या है 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो मैंने मान लिया 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या आर है, इसके भी बटा मन छुपाती परिमेय संख्या होगा, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर क्या मान के चल दिया, मैं आर मान के चल दिया, ठीक है ना। अब यहां से क्या करना है कि यहां से रूट वाले को अलग कर देना है, आपको रूट वाले को एकदम अकेला कर देना है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप रूट वाले को कैसे अकेला करेंगे, इसके लिए पहले प्लस 3 को इधर लाएंगे, ठीक है ना, यहाँ क्या बचेगा 2 रूट 5 बराबर आर। अब देखो आई प्लस 3 को इधर ला देंगे क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा इधर आते आते। अब रूट 5 को हमें अकेला करना है, तो यहाँ रूट 5 को छोड़कर 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में, इसलिए आपका ये हो जाएगा रूट 5 बराबर आर माइनस 3 है, 2 गुना में कहाँ चलाएगा, बटा में। बटी अभी आप सिद्ध किए थे रूट थ्री रूट फाइव, ये सब कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, आइए बटा वाला कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, क्या दोनों वैल्यू बराबर है, यहाँ रूट फाइव है तो यहाँ रूट फाइव है, नहीं, यहाँ आर माइनस 3/2 है तो यहाँ आर माइनस 3/2 है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पहले ये लिख दो, भाषा लिख दो, ये कौन सी संख्या रूट फाइव, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, और ये कौन सी संख्या परिमेय संख्या, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, भाषा वही लिख देंगे, चूंकि अपरिमेय संख्या, चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी मान्यता गलत है। कौन सा मान्यता गलत है, ऊपर जो माने है कि ये परिमेय संख्या है, लिख देंगे अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अब मान्यता आपकी गलत होगी परिमेय संख्या, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसलिए इसलिए
थ्री प्लस टू रूट फाइव एक कौन सा हो जाएगा संख्या? अपरिमेय संख्या। जब परिमेय गलत हो गया है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो गया सिंपल तरीके से। अच्छा मान लो यहाँ पर समझो, ध्यान से समझना, अगर ये दे दिया कि वन बटा रूट टू को सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या, तो वही करना है क्योंकि वन बटा रूट टू मतलब बीच में बटा भगा जा रहा है, जहाँ रूट के संग जोड़ घटा गुना भगाएगा वहाँ पर आर मानना है, और जहाँ रूट में अकेला संख्या रहेगा ओनली उसके संग जोड़ घटा गुना भाग कुछ नहीं रहेगा, तो आपको पी बटा क्यू मान के चलना है, ये वाला तरीका अप्लाई करना है। अच्छा मान लो इसको सिद्ध करना है, तो वही करेंगे, मान लेंगे कि वन बटा रूट टू को परिमेय संख्या मान के चलेंगे, माना कि वन बटा रूट टू बराबर क्या है? आर है, मानेंगे ना आर। देखो जहां भी जोड़ घटाव गुना भाग के रूप में रहेगा उसको क्या मान के चलना है? आपको आर मान के चलना है। अब सोचो इसको भी बटा में वन छुपा है, ध्यान दीजिएगा, अब इसको उलट देंगे क्योंकि हम रूट को अकेला करना था, रूट टू ऊपर चला जाएगा तो ये रूट टू हो जाएगा और ये हो जाएगा वन बटा आर। ये कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। और ये कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या। क्या दोनों वैल्यू बराबर है? नहीं है, तो आप वही भाषा लिखेंगे, चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए वन बटा रूट टू कौन सी संख्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। अगर मान लो यहाँ पर समझो, यहाँ पर अगर इसको सिद्ध करना है तो मान लीजिएगा, माना कि थ्री माइनस रूट टू क्या एक परिमेय संख्या आर है, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे थ्री माइनस रूट टू बराबर आर लेकर चलेंगे। अब यहाँ से रूट टू वाले को अलग कर देना है आपको, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए है थ्री है प्लस आर को इधर लाएंगे माइनस आर है, माइनस रूट टू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस रूट टू हो जाएगा। अब देखिए है जो थ्री माइनस आर है इसके बटा में वन छुपा है, मतलब ये कौन सा संख्या हो गया? ये परिमेय संख्या हो गया। आई रूट टू कौन सा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या, आपको अभी पढ़ाया गया है, ठीक है ना। रूट टू रूट थ्री ये कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या होती है। क्या दोनों वैल्यू बराबर? यहाँ थ्री माइनस आर है यहाँ कुछ और है, यहाँ रूट टू है तो यहाँ कुछ और है, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो भाषा आप वही लिखेंगे कि चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो हमारी मान्यता गलत है, इसलिए थ्री माइनस रूट टू कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। देखो बाबू एक समझ गए ना, याद रखिएगा, ये आपको जीवन भर याद रखने रहने वाला है सिंपल तरीका, याद रखिएगा, इससे पूरा का पूरा आपके एग्जाम में नंबर उठ जाएगा। बच्चा लोग कुछ बच्चा लोग उनकी समझ में भी नहीं करता है। देखो अगर रूट में संख्याएं अलग अलग होंगी अकेला होंगी तो उसके लिए पी बटा क्यू ये वाला अप्लाई करना है, लेकिन वही रूट वाले के संग जोड़ घटाओ गुना भागो तो उसके लिए आर मानकर चलना है, और आर मान के चलने के बाद आपको बस इतना बात का ध्यान रखना है कि रूट वाले को अकेला एकदम कर देना है, ताकि उसको अपरिमेय संख्या हम कह सकते हैं, आप बिना रूट वाले को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीका का अप्लाई करके आपको आपके एग्जाम में दो नंबर आपका एकदम उठ जाएगा। ये वीडियो देखना जरूरी इसलिए ना क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आपका एक एक नंबर टोटल कवर करा रहा हूं ताकि कहीं एग्जाम में आपका क्वेश्चन मिस नहीं हो जाए, ठीक है ना। चलिए ये बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए तो ये बातें आपको बेटर से समझ में आ गई, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे।